नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी एटा में आपका स्वागत है। भूगोल के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। तो 29 नंबर का टॉपिक हमारा चल रहा था विश्व की नदियां। तो टोटल प्रश्नों को दो पार्ट में हम देख रहे थे। इसका पहला पार्ट, पिछला पार्ट नहीं देखा है, साइड माइक बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। टोटल 44 प्रश्न थे। तो पिछले वाले पार्ट में हमने 22 प्रश्न देखे थे। आज सेकेंड पार्ट में आज के हम 23 से लेकर के 44 तक प्रश्न देखेंगे और एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 23 से। तो 23 नंबर प्रश्न आपका है कि नदी जो कि समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है, वो नदी इनमें से कौन सी है? मिसिसिपी, अमेजन, वांगो या फिर कोलोरेडो। कुछ नदियों के बारे में पिछले वाले पार्ट में हमने बात भी की थी। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है वो सही होगा। आपको बताना है नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है, वो इनमें से कौन सी है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो कोलोरेडो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोलोरेडो जो है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रमुख नदी के रूप में जानी जाती है। और मुहाना अगर बात करें तो कैलिफोर्निया की जो खाड़ी है वो इसका मुहाना है। कोलोरेडो नदी जो है इसमें आपको ग्रैंड कैनियन भी देखने को मिलते हैं। कैनियन क्या होता है इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपका डी वाला ऑप्शन जो है सही होगा। 24 नंबर प्रश्न है, नील नदी कहाँ गिरती है? ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि नील नदी ही आपकी इंपॉर्टेंट है और यही शायद प्रश्न भी था जो पिछले वाले वीडियो में हमने पूछा था। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए कौन सा सही होगा। नील नदी कहाँ गिरती है? काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर या फिर कैस्पियन सागर। नील नदी कहाँ गिरती है ये आपसे पूछा गया है, आपको बताना है काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर या फिर कैस्पियन सागर। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। ये आपको अवश्य पता होना चाहिए कि जो नील नदी है संसार की सबसे लंबी नदी में आती है और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो विक्टोरिया झील है उससे निकल करके जो सहारा मरुस्थल है उसके पूर्वी भाग को पार करते हुए उत्तर में भूमध्य सागर जो है उसमें जाकर गिरती है। आंसर यही पूछा गया था कहाँ गिरती है, तो भूमध्य सागर में जो है गिरती है। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है, अफ्रीका जो है उसकी सबसे बड़ी जो झील है विक्टोरिया उससे निकल करके, प्रश्न पूछा भी जा सकता है कहाँ से निकलती है, उससे निकल करके विस्तृत जो सहारा मरुस्थल है इसके पूर्वी भाग को पार करते हुए उत्तर में भूमध्य सागर जो है इसमें गिरती है जाकर। लंबाई इसकी 6,650 किलोमीटर देखने को मिलती है। नील नदी की दो सहायक नदियां भी हैं, एक व्हाइट नील है, एक ब्लू नील है। मिस्र की जो प्राचीन सभ्यता थी उसके विकास में नील नदी जो है इसका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, इसीलिए मिस्र का वरदान के रूप में भी इस नदी को जो है वो जाना जाता है। अगला देखते हैं 25 नंबर कि जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर या फिर लाल सागर, बताना है आपको जॉर्डन नदी जो है वो कहाँ गिरती है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में, तो आपका ऑप्शन मृत सागर यहाँ पर सही हो जाएगा। मृत सागर के बारे में पहले भी जान चुके हैं लवणता के संदर्भ में, इससे पहले आपका चैप्टर आया था वहां पर हमने बताया था। तो जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? मृत सागर में गिरती है और ये पश्चिम एशिया की लेक नदी है। अगला देखते हैं आपका 26 नंबर कि हुआंगो नदी किसमें गिरती है? चाइना की नदी है, नाम ही से हुआंगो, ऐसे नाम आपको वहीं देखने को मिलते हैं। तो बताइए पूर्वी चीन सागर में, पीला सागर में, दक्षिणी चीन सागर में, जापान सागर में। तो आपको बताना है कि हुआंगो नदी जो है किसमें जो है वो गिरती है। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में, तो आपका ऑप्शन बी वाला यानी कि पीला सागर जो है बिल्कुल सही होगा। मैंने बताया था हुआंगो नदी जो है इसी को ही पीली नदी भी कहा जाता है, पिछले वाले पार्ट में आपको बताया था, वहां से भी आप गैस कर सकते हैं पीला सागर। और ये जो है चीन से होकर बहने वाली नदी है और लंबाई के हिसाब से मैंने बताया था विश्व में 7वां नंबर जो है इसको देखने को मिलता है। और विनाशकारी बाढ़ आसपास के क्षेत्रों में चाइना के इसमें ही नदी में देखने को मिलते हैं, तो विनाशकारी के रूप में भी इसे जाना जाता है। चीन का शोक भी आप कह सकते हैं इसी को ही जो है वो कहा जाता है। आपको याद है मैंने एक प्रश्न कराया था जिसमें पूछा गया था विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है, तो चाइना की विश्वासघाती नदी इसी को ही कहा जाता है। 27 नंबर प्रश्न है कौन सी यूरोपीय नदी
ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में जो है वो गिरती है, राइन, वोल्गा, डेन्यूब या फिर ओडर, बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है वो सही होगा। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में जो है वो गिरती है? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन डेन्यूब जो है सही हो जाएगा, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। 28 प्रश्न आपका है कि ओब नदी किसमें गिरती है? कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, आर्कटिक सागर। ओब नदी जो है ये आपकी उत्तरी एशिया के पश्चिमी साइबेरिया जो क्षेत्र है उसकी एक नदी है। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में तो आपका ऑप्शन डी वाला यहां पर, यानी कि आर्कटिक सागर जो है सही हो जाएगा। किसमें गिरती है? आर्कटिक सागर में जो है वो गिरती है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 29 कि मिसिसिपी और मिसौरी ये दो नदियां हैं या फिर दो राज्य हैं या दो नदियां और दो राज्य हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। मिसिसिपी तो हम बता चुके हैं तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में तो आपका दो नदियां और दो राज्य ये आपका सही होगा। मिसिसिपी नदी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये इतास्का नामक झील जो है, इतास्का नामक झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी जो है उसमें जाकर के गिरती है। तो आंसर यहाँ पर सी वाला आपका सही होगा। अगला देखते हैं आपका 30 नंबर, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया भी था। तो बताइए कि किस नदी को चीन का सोग भी जो है वो कहा जाता है? यांग, क्यांग या फिर हुआंगो या फिर आमुर या फिर सालवीन। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। आप एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहे। तो किस नदी को चीन का सोग कहा जाता है? मैंने आपको बताया हुआंगो को कहा जाता है। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 31 नंबर प्रश्न है, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? दजला, जार्डन, वोल्गा, डेन्यूब, चार नाम दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी जो है वो गिरती है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में तो आपका वोल्गा नदी जो है बिल्कुल सही होगा। वोल्गा नदी यूरोप की एक नदी है और कैस्पियन सागर जो है इसमें गिरती है। यूरोप और जो यूरोपीय रूस है इसकी सबसे लंबी नदी और रूस का महत्वपूर्ण जलमार्ग के रूप में इसे जाना जाता है, ये मैंने आपको बताया था। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? नाइजर नदी, ऑरेंज नदी, कांगो नदी या फिर नील नदी। तो बताइए कौन सी नदी है इनमें से जो कि मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में जो है वो बहती है? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बी वाला है, बिल्कुल सही होगा। ऑरेंज नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है और अटलांटिक महासागर में जो है ये जाकर विलय हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से जो है ये संबंधित है। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सर और आमू नदियां गिरती हैं कैस्पियन सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में या फिर अरल सागर में। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है वो सही होगा। सर और आमू नदियां जो है वो गिरती हैं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से तो अरल सागर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ गिरती हैं? अरल सागर में जो है ये गिरती हैं। 34 नंबर प्रश्न है, लंबाई के घटते क्रम में विश्व की तीन सबसे लंबी नदियां कौन सी हैं? घटते क्रम में मतलब जो सबसे पहले है वो सबसे लंबी होगी, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। पर आपको मैं बता चुका हूं कि नील नदी सबसे लंबी है तो मिसौरी वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, अमेजन वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, बी या डी में से कोई आंसर होगा। अब नील के बाद मिसौरी, मिसिसिपी का नंबर आता है या अमेजन का नंबर आता है ये आपको यहाँ पर चेक करना है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में तो आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। नील, अमेजन, मिसौरी, मिसिसिपी ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। घटते क्रम में विश्व की तीन सबसे लंबी नदियां जो है इसमें आ जाएंगी, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं 35 प्रश्न कि निम्नलिखित में से पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो कि मानसरोवर झील से निकलती है? काबुल, सिंधु, सतलज, चिनाब, चार नाम दे रखे हैं। एसएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा।
पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है जो कि मानसरोवर झील से जो है वो निकलती है। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका सिंधु नदी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी मानसरोवर झील से जो है निकलती है। 36 नंबर प्रश्न है, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? अमूर, लीना, ओब, साल्विन, चार नाम यहां पर दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। एशिया की कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? मैप से आपको यह ज्यादा क्लियर होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका ऑप्शन साल्विन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। साल्विन जो है ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो 37 नंबर प्रश्न बताइए कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? मिसिसिपी, अमेजन, नील, डेन्यूब। लंबी नहीं पूछा गया है, सबसे चौड़ी नदी जो है वो पूछा गया है। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की, तो अमेजन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊपर एक प्रश्न भी आया था क्रम सीरियल लगाने में, तो दूसरे नंबर पर वहां पर आप देख रहे थे अमेजन का नाम लंबाई के आधार पर, तो अब ऐसे ध्यान रखिएगा कि चौड़ी नदी में अमेजन जो है आपकी सबसे चौड़ी नदी में आती है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी, अभी तो मैं आपको बता ही चुका हूं, बताइए अमूर, हुआंगो, अमेजन, नील कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन एबीसीडी में से डी वाला आपका ऑप्शन नील नदी बिल्कुल सही हो जाएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं 39, निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं? ईरान, जॉर्डन, कुवैत, इराक, चार नाम दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा इनमें से सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन इराक यहाँ पर सही हो जाएगा। किस देश में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां बहती हैं? तो इराक आपका जो है यहाँ पर बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर, कि कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। चाड, इथोपिया, सूडान, युगांडा, चार नाम दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित जो है वो नहीं होता है? आंसर की बात करते हैं, तो आपका पहला ही ऑप्शन चार्ट जो है यहां पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 41, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? ये आपका अच्छा प्रश्न है, बताइए अमेजन, डेन्यूब, वोल्गा या फिर राइन, कौन सा इनमें से सही होगा? कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर जो है वो गुजरती है? डेन्यूब नदी आपको पता होना चाहिए कि ये मध्य यूरोप जो है उसमें बहने वाली जो है नदी है, मध्य यूरोप, और जर्मनी जो है उसके काले वन के पहाड़ों में स्थित कस्बा है उसके पास से शुरू होती है और दक्षिण पूर्व को जो है ये बहती है, अधिकतम देशों से होकर गुजरती है, ये अच्छा प्रश्न है, याद रख सकते हैं आप। 42 प्रश्न है, कौन सी नदी काला सागर में जो है वो नहीं गिरती है? वोल्गा, नीपर, डॉन, डेन्यूब, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर वोल्गा जो है सही हो जाएगा, जो कि काला सागर में जो है वो नहीं गिरती है। 43 प्रश्न आपका सेकंड लास्ट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बताया था 44 प्रश्न तक हम देखेंगे, एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे और ये आपके लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि इस चैप्टर आपका ये यहीं तक था। तो बताइए 43 प्रश्न उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, भारत, चार ऑप्शन इस टाइप से दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर म्यांमार जो है सही होगा, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो नहीं गुजरती है, तो आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। बाकी चाइना, बांग्लादेश, भारत याद रख सकते हैं जहां से गुजरते हैं। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इस प्रश्न को देखने से पहले, वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग लाइक करते रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई वीडियो नया आए तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। टेलीग्राम से ना जुड़े हो चैनल से, तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 44 प्रश्न है कि
किस देश में से अमेजन नदी बहती है, ये पूछा गया है। मैंने क्या कहा, इस टाइप के प्रश्न जो है मैप से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे, तो मैप को साथ में रखकर आप पढ़ेंगे तो और ज्यादा आपको इंटरेस्ट भी आएगा, समझ में भी आएगा। तो यूएसए, फ्रांस, ब्राजील, कनाडा, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की, ऑप्शन एबीसीडी में। तो ब्राजील आपका सही हो जाएगा, अमेजन नदी जो है ब्राजील से होकर जो है वो नहीं बहती। सभी प्रश्न समाप्त हुए हमारे, अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, पूरे विश्व का पूछा गया है। ए ऑप्शन है हिंगुरी रूस में, या फिर रोग वंश की ताजाकिस्तान, या फिर भाखड़ा भारत, या फिर नोटेड्रम फ्रांस। ऑप्शन एबीसीडी में कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। इससे पहले के प्रश्न ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप इससे पहले के जो वीडियो है डायरेक्ट भी देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।